और अब संतान सुख और सुख समृद्धि के लिए हम सभी को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को कौन सा दान देना चाहिए जो इससे जुड़ा महादान बन जाता है पंडित जी, दोनों ही स्थितियों के लिए संतान सुख और समृद्धि। देखो आसम, मैं एक बात देवी भागवत की बताना चाहूंगा जी। देवी भागवत में स्पष्ट उल्लेख है, यदि किसी पूजा पाठ करने वाले पुरोहित या किसी अध्यापक की कन्या को आप कुमारी पूजन में बैठा कर उसकी कुमारी पूजा कर रहे हैं तो इससे आपका आध्यात्मिक उन्नति होगी, इससे आप श्रेष्ठ विद्या अध्ययन करेंगे और इससे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी तरह से अगर आप रक्षा सुरक्षा विभाग में लगे हुए, वो मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, CRPF में हो, CISF में हो, ऐसे लोगों की कन्याएं अगर मिल जाएं कन्या पूजन के लिए तो आपके ऊपर चाहे जितना बड़ा मुकदमा हो और चाहे जितना बड़ा शत्रु बाधा हो, दोनों में आपको न्याय मिल जाता है। अच्छा। और यदि आप धनाभाव से जूझ रहे हैं, पैसे की किल्लत है, कर्ज में फंस गए हैं और जीवन नरक बन गया है, तो अगर व्यापार करने वाले लोगों की कन्याएं मिलती हैं पूजन करने के लिए और उनका आप पैर धो करके विधिवत पूजन करते हैं देवी भाव बना करके, तो निश्चित मानिए कि अगले नवरात्र तक चमत्कार हो जाएगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप कर्ज से बाहर निकल जाएंगे, जीने का रास्ता मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप दसों साल से विवाह हो गया है और संतान के लिए तरस रहे हैं, IVF भी आपने ट्राई कर लिया लेकिन सफल नहीं हुआ, आपने हर जगह मतलब कि ठोकर खा ली लेकिन सफलता नहीं मिली, तो मेरा एक बताया हुआ उपाय आप जरूर करिए। मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, जो लोग मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं, गरीब तबका नहीं कह सकते हो, बल्कि ये कह सकते हो कि मजदूर हो गए, रिक्शा चलाने वाले हो गए, सफाई कर्मी हो गए, इनकी कन्याओं को अगर आदरपूर्वक आप अपने घर में लाएं और उनका पैर धो करके और उन्हें नए कपड़े पहना करके और अगर उन्हें आप स्वादिष्ट व्यंजन पवाएं, तो गारंटी देता हूं कि एक साल के अंदर आपके घर में किलकारी गूंजेगी गूंजेगी गूंजेगी। ब्रह्मा ने जो लिखा होगा ना, भगवती जा करके उसको अपनी कलम से एक मिनट के अंदर बदल देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये एकदम अजमाई हुई बात है, छाती की बात कह रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं कि ये डपोर शंख ही बात है, ऐसा कुछ करने के बाद पता नहीं होगा कि होगा ही होगा, बस करिए। कैसी भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम हो, कोई भी शारीरिक अयोग्यता हो, लेकिन ये पूजन होते ही चमत्कार होगा, बशर्ते आपका श्रद्धा भाव होना चाहिए। उन कन्याओं में आपको दुर्गा दिखनी चाहिए, उन कन्याओं में आपको देवी भाव दिखना चाहिए। अगर क्षण भर के लिए भी ये भाव आपके मन में आ गया तो बात बन गई। क्षण भर के लिए भी अगर ये बात आपके मन में आ गई कि मेरे घर में देवी पधारी हैं, मेरे घर में देवियों का आगमन हुआ है, और ये हर्ष और ये उल्लास जब आपके मन में आएगा और कन्याएं आपके यहाँ से विदा होंगी, तो निश्चित मानिए आपके घर में किलकारी गूंजेगी और आपके घर में जो संतान होगा वो कोई साधारण नहीं होगा, वो परम भागवत होगा, चिरंजीव होगा, दीर्घायु होगा, समाज में यश कीर्ति प्रदान करने वाला, प्राप्त करने वाला होगा। इसलिए कन्या पूजन करते समय हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये कन्याएं केवल कन्या नहीं हैं, ये कन्याएं साक्षात देवी का स्वरूप हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तव दे विभेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। इस संसार की सारी स्त्रियों में वही दुर्गा विराजमान है। नीच से नीच भी आप जानते हो किसी को कर्म करने वाला या कर्म करने वाली, उसमें भी आपको मातृवत दृष्टि रखना है। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बनेगी, आपको गलत नहीं देखना है, जो जैसा है वो वैसा रहेगा, लेकिन आपकी दृष्टि में जैसे निज प्रभुमय देखें जगत कहिसन करें विरोध। ऐसा एक बात जान लो, 750 करोड़ आबादी पूरे विश्व की है, ये 750 पोशाक है, 750 करोड़ पोशाक है,
इसको पहनने वाला एक ही है, उसका नाम है ईश्वर। और ये अलग अलग 750 करोड़ जो पोशाक है, इसको पहनने वाला एक ही है, वो है ईश्वर। वो सभी में विराजमान है और एक रूप से विराजमान है। तो कहने का आशय, संतान सुख पाने के लिए, संघर्ष भरे जीवन में मन को विचलित होने से बचाने के लिए, सर्वत्र सिद्धि और सफलता पाने के लिए, जीवन की परेशानियों का दमन करने के लिए, नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को मीठे फलों का दान करना चाहिए। सुख समृद्धि चाहते हैं तो लाल या पीले रंग के फल कन्याओं को दीजिए। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कन्याओं को गरी गोला और केले का दान करिए। जय माँ विंध्यवासिनी।